बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है मैट्रिसेस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें 9C एक्सरसाइज के एमसीक्यूज किए थे, आज इसमें हम टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज जो है हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसमें भी सिंपल एमसीक्यूज है हमारे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भी फर्स्ट वाले एमसीक्यू और इससे अदर जो चैप्टर हैं, अदर जो लेक्चर हैं, इसके अदर पार्ट हैं, उन सभी का लिंक आपको हमारे चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे ऊपर की तरफ हमारे सभी ओल्ड लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ ये एमसीक्यूज वाला पार्ट जो हमारा वो सभी मिलेगा जिसमें हमने एमसीक्यू पार्ट करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप ओल्ड लेक्चर देखें, आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, बस नंबरिंग मिसमैच मिलेगी। ये जो टेस्ट योर सेल्फ है वो हमारे ओल्ड लेक्चर में 9D है। तो यहाँ पर हम टेस्ट योर सेल्फ के एमसीक्यूज करेंगे आज, और इसका लॉन्ग लेक्चर के लिए आपको 9D देखना होगा ओल्ड लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पर देखो आप ए फर्स्ट में ए वाला एमसीक्यू बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। इसमें से क्या पॉसिबल है? ए प्लस बी पॉसिबल है? अगर इन दोनों का सेम ऑर्डर है तो पॉसिबल है नहीं है, ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है, ए माइनस बी भी पॉसिबल नहीं है। ए प्लस बी और ए माइनस बी सिर्फ किस केस में पॉसिबल होंगे? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। लेकिन ए भी पॉसिबल होगा, तो अभी देखा था हमने, यस ए भी पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 2 × 2, बी का ऑर्डर क्या है 2 × 1, 2 रोज है सिंगल कॉलम में, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं होगा इसमें, अगर हम बी ए देखें तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 × 1 है, 2 × 2 है, ये वाली वैल्यू इक्वली नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो इसमें क्या पॉसिबल है? सिर्फ ये पॉसिबल है, ए बी, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिर्फ थर्ड वाला ए में क्या होगा हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, सिंपल ये करना था। इसमें बी वाले में एम गिवन किया है आपको, एम इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, एम का ऑर्डर बताना, सिंपल देखो एम का ऑर्डर क्या होगा, एम का ऑर्डर नहीं पता है, एम इंटू एन ले लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास इसका ऑर्डर पता है 2 × 2, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी पता है, सिंगल रो है और कॉलम कितनी है 2 कॉलम्स हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको, सिंगल रो है क्योंकि इसमें क्या है 3 और -1 है, कॉलम एक है और रो एक सिंगल है और कॉलम 2 है इसमें। अब देखो आप ये वाली वैल्यू इक्वल होती है तो 2 है, ये भी 2 होगा, तो एन की वैल्यू होगी 2, समझ गए। और m × 2 ये ऑर्डर किसके इक्वल होगा, इस 1 × 2 के। यहाँ पर देखो फर्स्ट प्लेस पर एम है, यहाँ फर्स्ट प्लेस पर 1 है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बस यही ऑर्डर हो जाएगा हमारा एम का, एम का ऑर्डर क्या हो जाएगा m × n है 1 × 2, तो बस यहाँ पर ये ऑर्डर क्या है 1 × 2 है। देखो अगर ये 1 × 2 होगा इसकी मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल होगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 × 2 ऑर्डर की भी होगी, तो बस इसका ऑर्डर क्या हो गया एम का 1 × 2, ये बताना था इसके बी पार्ट में। तो 1 × 2 थर्ड ऑप्शन है इसका भी, बी में भी क्या है हमारा थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट सी पार्ट इसका, देखो सी पार्ट में कि इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, अभी कंपेयर करेंगे इसमें। तो सी वाले में तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल 2x - y किसके इक्वल 9 के, यानी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल 9 के, ये भी 9 के इक्वल है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो इक्वेटिंग कोफिशियंट से, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3x होगा। अगर हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, हाँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमेशा साइन चेंज होते हैं, नहीं, जब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो साइन चेंज नहीं होंगे, तब यही इनके एक्चुअल साइन देंगे, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 और 9 3 से डिवाइड करोगे 3 × 6 = 18, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, एक्स की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर लो आप, इधर माइनस करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3 आ रही है, बात समझ में आ रही है। आप एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ से भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वाई की 3 ही मिलेगी। तो बस अभी हो गया हमारा y = 3, x = 6, y = 3, क्या ऑप्शन है इसमें x = 3, y = 6। तो इसमें भी अगर हम ऑप्शन देखें x = 6 होना चाहिए, x = 6 ये है हमारा 4, x = 6 एंड y = 3, तो ये 4। देखो इस तरीके से ऑप्शन में हमें बहुत ही जल्दबाजी में हम क्या कर लगा देते हैं, ऐसा लगता है x = 3 y = 6 वाला ही सही है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान से रखना है कि अगर जो भी क्वेश्चन आपको आता है ना, जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसको बहुत ही पेशेंस के साथ एग्जाम में हैंडल करना है, क्योंकि अगर आपने पेशेंस अपना नहीं रखा तो भी आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें मिस्टेक करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में भी, जैसे यहाँ पर भी जल्दबाजी में हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं x = 3 एंड y = 6, तो इतना भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, इतना भी आपको हाइपर नहीं होना, आपको पेशेंस रखना हो, बिल्कुल पीसफुली आपको आंसर्स देने हैं। डी में देखो क्या रहा है कि मैट्रिक्स दिस एंड मैट्रिक्स दिस देन ए प्लस बी, बताओ इसमें क्या होगा, अब कर लो इनको ऐड। ए मैट्रिक्स है x - 1, x - y, ये हमारी x - y, x + y, y - x एंड y + x प्लस x + y, y - x
एक्स माइनस वाई, यहाँ पर वाई प्लस एक्स, ये है, देन ए प्लस बी, बताओ क्या हो। ए प्लस बी ऐड कर रहे हैं हम, इनको बताओ, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल होगा, देखो इनको ऐड करेंगे अगर हम, कैंसिल हो रहा है वाई, यहाँ टू एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और ऐड कर रहे हैं इसमें वाई माइनस एक्स, यहाँ कैंसिल हो रहा है एक्स, फिर वाई माइनस एक्स इसके साथ ऐड होगा हमारा एक्स माइनस वाई, यहाँ कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल हो रहा है ये, और ये भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि माइनस का एक्स प्लस, ओ माइनस का वाई प्लस का वाई माइनस का एक्स प्लस का एक्स, यहाँ पर वाई प्लस एक्स और यहाँ पर भी वाई प्लस एक्स। अब देखो आप, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा टू एक्स, यहाँ पर बचा टू वाई, यहाँ पर बचा ज़ीरो, और यहाँ पर वाई बाई टू वाई और टू एक्स। आप इसमें से टू कॉमन लेकर इसको प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई बोल दो, या वाई प्लस एक्स भी बोल सकते हो। ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है इसमें से, टू एक्स टू वाई, टू एक्स टू वाई, टू एक्स टू वाई होना चाहिए, टू एक्स टू वाई, देखो इसमें आ रहा है सिर्फ ऑप्शन थर्ड वाले में, टू एक्स टू वाई जीरो एंड प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डी में क्या है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, बस सिंपल ये बताना था इसमें। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इवेंट ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 × 5, इवेंट बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 × 3, इवेंट सी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी 3 × 3, प्रोडक्ट ऑफ विच टू मैट्रिसेस गिव्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनमें से किन दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स देगा ये बताना, कि प्रोडक्ट ऑफ विच टू मैट्रिसेस गिव्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनमें से कौन स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, तो आप चेक कर लो कौन स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है। ए इंटू बी देखो आप, ए इंटू बी, अगर हम ए इंटू बी देख रहे हैं, ए का ऑर्डर क्या है हमारा 3 × 5, ए का ऑर्डर क्या है 3 × 5, एंड बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 5 × 3, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा, नहीं दे रहा, क्यों, ये तो इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है ना, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा था, यस 3 × 3 की मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 3 की मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है, 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं वही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो भाई ए बी तो दे रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं ए सी, क्या ए सी दे रहा है, ए में क्या है हमारा 3 × 5 और सी में क्या है, ए में क्या है 3 × 5 और सी में क्या है हमारा 3 × 3। अब बताओ क्या ये ए सी पॉसिबल है, ए सी तो पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं है इसमें, तो इसमें एक पॉसिबल एक नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। बात करेंगे ए बी और बी सी की, ए बी दे रहा है, बी सी चेक कर लो आप, बी क्या हमारे पास 5 × 3 एंड सी हमारे पास क्या 3 × 3, देखो ये पॉसिबल है लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दे रहा, ये बी सी भी नहीं दे रहा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसे भी हटा दो आप। फिर देखो ए बी और बी ए वाला देख लो पहले, क्योंकि ए बी में पहले से पता है स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है, बी ए वाला चेक कर लो, बी क्या है 5 × 3 और ए क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारी 3 × 5, तो क्या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस देखो ये तो इक्वल है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी रोज एंड कॉलम इक्वल है, तो बी ए में भी रोज एंड कॉलम्स हमारे इक्वल है, तो 5 × 5, तो बस यही इसका ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, क्योंकि ए बी जो है यहाँ पर वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है 3 × 3, और ये बी ए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 5 × 5, रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, तो बस यही इसका ऑप्शन होगा इसमें ई में फोर्थ, ये करना है इसमें सिंपल। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट, इसमें तो मैट्रिसेस में एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और सभी चैप्टर्स के, इससे प्रीवियस सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी चैप्टर्स जाकर देख सकते हो, इस बुक पर हमने सभी चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप ये मत सोचना कि भी ओल्ड लेक्चर है उससे हमें बेनिफिट नहीं होगा, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिर्फ नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, इसलिए लेक्चर को कंप्लीट देखें और उससे हेल्प ले सकते हैं आप। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर करें या ना करें, लेकिन इस जो लेक्चर है, ये जो आपने वीडियो देखा है, इसको अगर आपको यूजफुल बनाना, तो भाई आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, तो बस आप क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।